जी आज का जो टॉपिक है वो है 9.2। 9.2 में हमें क्या बताना है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइंस से क्या मतलब है कि आपने पॉजिटिव साइन बताना है, आपने नेगेटिव साइन बताना है। सबसे पहला वाला जो आपके पास जुज है वो है साइन 160 डिग्री। साइन 160 डिग्री, अब ये हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब ये हमें कैसे बताएंगे, अब हम इसको कैसे बताएंगे। हम इसके लिए एक कार्टीजियन प्लेन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक कार्टीजियन प्लेन। कार्टीजियन प्लेन के टोटल आपके पास चार क्वाड्रेंट हैं। पहले वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल लाए करते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल लाए करते हैं वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हैं। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल लाए करते हैं वो 270 डिग्री हैं। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल लाए करते हैं वो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाए करते हैं वो है 270 से लेकर 360 डिग्री एंगल लाए करते हैं। अब इसी तरह साइन 160 डिग्री के लिए कार्टीजियन प्लेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ड्रा करते हैं। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन कोस एंड टेंजेंट, ये तीन हमारे पास ओरिजिनल साइंस हैं, साइन कोस टेन। इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सिकेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट। ये आपको लाजमी याद रखनी पड़ेंगी, तीन ओरिजिनल रेशियो और तीन उसी का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सिकेंट। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स लाए करते हैं वो है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। यहां पे एक नमोनिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। नमोनिक्स क्या है, ए आफ्टर एस स्कूल टी टू कॉलेज, ये आपको नमोनिक्स याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सारे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सबसे पहले वाले क्वाड्रेंट में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले वाले क्वाड्रेंट में आपके पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होती हैं, पॉजिटिव हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, 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 यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल हैं वो है साइन। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसाइन। ये हमारे पास पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी रिमेनिंग है वो सारी नेगेटिव है। साइन एस फॉर साइन एंड साइन रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट, कोसिकेंट। अब इसके बाद एक ओरिजिनल आ गई, दो ओरिजिनल रह गई। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन भी हो गई यूज हो गया, कोस रह गया एंड टेंजेंट रह गया। यहां पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट, ये भी नेगेटिव आएगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट, ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल लाए करते हैं 180 से लेकर 270 डिग्री तक एंगल लाए करते हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो क्या, प्लस है माइनस है उसको देखते हैं। टेन टी फोर टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट का राज है, प्लस प्लस। बाकी जो रिमेनिंग में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारी नेगेटिव है। साइन ओरिजिनल रह गया एंड कोस ओरिजिनल रह गया। इसमें साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट। कोस का रेसिप्रोकल क्या, सिकेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फोर कोस, कोस एंड कोस रेसिप्रोकल इज सिकेंट, इनका राज है फोर्थ। बाकी इतनी रिमाइंडिंग में रह गई, बाकी साइन ओरिजिनल में रह गया, टेन ओरिजिनल में रह गया। टेन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस में, टेन भी क्या आएगा, माइनस में। यहां पे हमारे पास साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट, माइनस में कोटेंजेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट भी नेगेटिव में। ये हमारे पास है कंप्लीट कार्टीजियन प्लेन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव आती हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन
और साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव आएगा, बाकी चार आइडेंटिटीज नेगेटिव आएंगी। साइन इस्तेमाल हो गया, कोस रह गया, टेंजेंट रह गया, ये दो ओरिजिनल फंक्शंस हैं और इन्हीं का रेसिप्रोकल सिकेंट है, कॉन्टेंजेंट है, इन चारों की वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट आएगा, कॉन्टेंजेंट आएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट हमारे पास पॉजिटिव सेंस में आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव सेंस में आएंगे। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द साइंस, साइंस बताएं, साइंस कहाँ पे कौन सी चीज किस क्वाड्रेंट में लाए करती हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइन 160 डिग्री। अब साइन 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं और इसका साइन बताना है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में साइन जो एंगल्स हैं वो हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एंगल्स लाया करते हैं, हमारे पास क्या है, साइन 160 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से अबव चला जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 160 डिग्री चाहिए, 160 डिग्री एंगल लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यूं इस तरह से लिखेंगे, सिंस साइन 160 डिग्री लाए इन सेकंड क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज पॉजिटिव। ये सिंपल आंसर है साइन 160 डिग्री का। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कोस 190 डिग्री। अब आपने बताना है कोस 190 डिग्री कहां पे लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ 90 एंगल लाया करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 एंगल लाया करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 तक एंगल्स लाया करते हैं, हमारे पास है कोस 190 डिग्री। अब 190 डिग्री कहां पे लाया करता है, देख के बताएं, यहां पे लाया करता है, बिल्कुल ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सिंस कोस 190 डिग्री लाए इन थर्ड क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज, अब साइन बताएं, इधर से कोस 190 डिग्री कहां पे लाए करता है, जी यहां पे लाया करता है, अब इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है टेन 150, टेन 150 थर्ड वाला पार्ट है, टेन 150 डिग्री। अब देखें टेन 150 डिग्री कहां पे लाया करता है, देखें क्वाड्रेंट को, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाया करते हैं, देखें जरा टेन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, क्योंकि वहां पे जो 180 से तो ज्यादा जा ही नहीं रहे, ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो इसका साइन भी देखें टेन 150 का, देखें कहां पे आता है, इसका साइन क्या यूज होगा, जी बिल्कुल यहां पे क्या आ जाएगा, सिंस टेन 150 डिग्री लाए इन कहां पे, जी बिल्कुल सो इट्स साइन इज, बताएं जरा साइन, जी बिल्कुल नेगेटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, सीक 245, अब देखें जरा सीक 245, सीक 245 डिग्री का एंगल कहां पे लाया करता है, यहां से देख के बताएं, सीक 245 डिग्री कहां पे लाया करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, नहीं चलें फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाया करता है, जी बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट पे लाया करता है,
हम क्या बोलेंगे, सेंस सीक 245 डिग्री, लाए इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, सो इट्स साइन इज, साइन बताएं, साइन कहाँ पे लाए करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाए कर रहा है, लेकिन साइन 245 डिग्री का जो साइन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। अब लास्ट, सेकंड लास्ट है कोट 80 डिग्री, कोट 80 डिग्री, फाइव वाला कोट 80 डिग्री। अब देखें 80 डिग्री कहां पे लाए करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे देखें 80 डिग्री लाए करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे देखें लाए करता है, इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखें लाए करता है। पहले एंगल देख लें, एंगल जो आपके पास है जीरो से लेकर 90 डिग्री तक है, उसके बाद 90 से लेकर 180 तक है, और हमें चाहिए सिर्फ 80 डिग्री, सिर्फ 80 डिग्री चाहिए। अब देखें कहां पे लाए करता है ये, जी बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सिंस क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा, सिंस कोट 80 डिग्री लाए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट्स वैल्यू, सॉरी इट्स साइन, सो इट्स साइन इज पॉजिटिव, क्लियर है। अब लास्ट वाला कोसिक 297, युद्ध करेंगे, जी जरूर। नेक्स्ट पार्ट पे चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स सोल्व करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स सोल्व करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह पुट करनी है। उसमें क्या है, साइन 360 डिग्री, कोस, टैन, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पूर्ण करनी है, हमारे पास साइन है, कोसिकेंट है, टेंजेंट है। सबसे पहले आपने तीन फार्मूले याद रखे हुए हैं ना, साइन, कोस, टेंजेंट, ये ओरिजिनल है, इनको आपने भूलना नहीं है। कौन से मैंने बताए हैं, साइन, कोस, टेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल क्या, सिकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या, कोटेंजेंट। ये याद रखने हैं आपने, तीन याद रखने हैं, तीन उसी के छोटे बहन भाई आ जाते हैं, साइन का कोसिकेंट, कोस का सिकेंट, टेन का कोटेंजेंट। पहले वाला साइन, साइन के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो क्या करता है साइन, माइनस के साइन को बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल साइन के साथ अगर माइनस लगा हुआ है एंगल के साथ तो क्या करता है, ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह कोसिकेंट, उसी का छोटा भाई है ना, तो ये भी क्या करता है, बड़े भाई वाला काम करता है, माइनस साथ लगा हुआ है एंगल के तो बाहर निकाल देगा। ये रूल इस्तेमाल होगा साइन में। कोसाइन में क्या होगा, कोसाइन में क्या होगा, कोसाइन में होगा अगर इनके एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये क्या करते हैं, ये माइनस के साइन को खराब कर जाते हैं, ये कोस आ जाएगा, क्लियर है। इसी का सिकेंट है, सिकेंट के साथ अपने बड़े भाई वाला रूल अप्लाई करता है, ये भी माइनस का साइन लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का साइन खराब कर जाएगा। इसी तरह टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा क्या करता है भला, अगर इसके एंगल के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है। माइनस थीटा इक्वल बाय माइनस टैन थीटा, कोटेंजेंट क्या करता है, ये भी अपने बड़े भाई वाला काम करता है।
ये भी एंगल के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये भी क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। फर्स्ट हो गया साइन का, अगर साइन एंगल के साथ साइन लगा हुआ है तो वो माइनस के साइन को बाहर निकाल देगा। उसके बाद कोसिकेंट क्या करता है, कोसिकेंट क्या करेगा, अगर एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये भी बड़े भाई वाला काम करता है, ये भी माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद कोस क्या करता है, कोस माइनस के साइन को खराब कर जाता है। सिकंड क्या करता है, सिकंड भी वही काम करता है, ये भी माइनस के साइन को खराब कर जाता है। टेंजेंट क्या करता है, साइन वाला काम करता है, ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है। इसी तरह कोटेंजेंट क्या करता है, ये भी टेंजेंट वाला काम करता है, माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं, साइन माइनस 310 डिग्री, उन्होंने बोला है आंसर क्या आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, साइन लगा हुआ है यहां पे क्या यूज होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, जी बिल्कुल नेगेटिव। कोसिकेंट क्या आएगा, नेगेटिव। टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट माइनस 182 डिग्री, टेंजेंट बताएं जरा, इधर से, इधर से माइनस पॉजिटिव, कोटेंजेंट क्या आएगा, कोटेंजेंट नेगेटिव। सिकेंट क्या आएगा, सिकेंट इधर से देख के बताएं, इधर से पॉजिटिव, कोसिकेंट क्या आएगा, इधर से देख के बताएं, कोसिकेंट क्या आएगा, माइनस में है, क्या करेंगे भला, माइनस के साइन को बाहर निकाल देंगे। ओके यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई व्हेन, किस क्वाड्रेंट में ये चीजें लाई कर रही हैं, टर्मिनल एंगल्स लाई कर रही हैं। पहला हमारे पास क्या है, इन विच क्वाड्रेंट एंगल्स विल बी लाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0। उन्होंने पूछा है, बुक पे देखें, बुक पे, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट पे ऑन द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई, किस क्वाड्रेंट में ये जो एंगल हैं कहां पे लाई कर रहे हैं। पहला है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0। पहला साइन लेस देन 0, इधर हम एक साइड पे लिख लेते हैं लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपके पास वो वैल्यू क्या, लेस देन 0, लेस देन 0 0 से कम है, यानी कि माइनस में है, साइन माइनस में है। इसी तरह कोस ग्रेटर देन, इधर हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब वो चीज पॉजिटिव में है। साइन लेस देन 0 एंड कोस ग्रेटर देन 0, कार्टेशियन प्लेन याद है, सबको याद है क्या होता है भला, कार्टेशियन प्लेन ऐसा प्लेन होता है जिसमें चार क्वाड्रेंट हैं, चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन कैसा प्लेन है जिसमें चार क्वाड्रेंट हैं। पहले वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल लाए करते हैं, 90 एंगल, अगले वाले में 180 एंगल, उसके अगले वाले में 270 एंगल, लास्ट वाले में 360 एंगल लाए करते हैं। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल, 0 एंगल से लेकर 90 एंगल तक, 180 एंगल तक, 270 एंगल तक, 360 एंगल तक। नमूनिक्स याद है, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, साइन कोस टैन ओरिजिनल है, इन्हीं के आगे रेसिप्रोकल क्या आएंगे, कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट। क्वाड्रेंट 2 में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट,
इनका राज्य होगा जी, बिल्कुल इनका राज्य होगा। अब राज किन का नहीं होगा, कोस का, टेंजेंट का, कोस का एंड टेंजेंट का। कोस क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, टेंजेंट भी क्या होगा, नेगेटिव, और इन्हीं के रेसिप्रोकल क्या आएंगे, नेगेटिव सिकेंट नेगेटिव एंड कोटेंजेंट नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में किनका राज्य होगा, टेंजेंट का एंड कोटेंजेंट का, पॉजिटिव पॉजिटिव इनका राज है, किनका राज नहीं है, साइन का कोस का, साइन का और कोस का। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या, सिकेंट, माइनस 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 एंड माइनस। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में किनका राज होगा, कोसिकेंट का एंड सिकेंट का, पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव सेंस में क्या आएगा फिर, साइन एंड टेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या, कोटेंजेंट, माइनस 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 एंड माइनस। ये कंप्लीट चार क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके अलावा और कहीं पे लाइन नहीं करती। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 6 रेशो है, सेकंड क्वाड्रेंट पे भी 6 रेशो है, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी 6 रेशो है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी 6 रेशो है, लेकिन इनके साइन मुख्तलिफ हैं। क्लियर है? अब देखें साइन लेस देन जीरो एंड कोस ग्रेटर देन जीरो कहां पे लाई करते हैं। आप देखें पहले साइन लेस देन जीरो, साइन लेस देन जीरो, साइन की वैल्यू कहीं माइनस में है, साइन की वैल्यू कहीं माइनस में है, देखें जरा मेरे साथ, साइन की वैल्यू कहीं माइनस में है, जी है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। अब उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कोस इज ग्रेटर देन जीरो। अब कोस पॉजिटिव उसने कह दी है, उन्होंने क्या है, कोस इज पॉजिटिव। अब कोस पॉजिटिव कहां पे है, कोस पॉजिटिव देखें जरा मेरे साथ कहां पे है, कोस पॉजिटिव ये यहां पे है, ये दोनों आ गए यहां पे, ये चीज यहां पे आएगी। क्लियर है? उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पूछा था इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई, किस क्वाड्रेंट में ये जो क्वेश्चन है वो लाई करता है। हम क्या बोलेंगे, हम लिख देते हैं सिंपल इसका जवाब, साइन थीटा लेस देन जीरो एंड कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो लाई इन, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में भी हमने किया था, इज फोर्थ क्वाड्रेंट, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 1 अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे किसी भी वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे लाजमी बताइएगा। जूज नंबर 2 देखते हैं, जूज नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, जूज नंबर 2 में वो कहते हैं कोस माइनस 7 इज इक्वल बाय, सॉरी जूज नंबर 2 इज कोट थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड कोसिकेंट थीटा लेस देन जीरो, लेस देन लेस देन। अब देखें कोट थीटा लेस देन जीरो, कोसिकेंट लेस देन जीरो, अब ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, कोट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर ग्रेटर देन यहां पे ऊपर एक साइड पे लिखते हैं ताकि याद रहे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन में चाहिए तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चाहिए, इधर भी ग्रेटर देन में चाहिए तो इसका भी मतलब क्या है, पॉजिटिव में चाहिए। आप देखें ये है हमारे पास कंप्लीट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप देखें कोट प्लस में चाहिए, कोसिक भी प्लस में चाहिए, कहां पे लाई करते हैं ये देख के बताएं जरा, कोट कहां पे पॉजिटिव है, कोट है कहीं पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव है, कोसिक कहां पे पॉजिटिव है, यहां पे है, नहीं यहां पे है, जी बिल्कुल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंस कोट थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड कोसिक थीटा ग्रेटर देन जीरो
ग्रेटर देन जीरो इज लाए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. द नेक्स्ट पार्ट इज टेन माइनस टेन थीटा लेस देन जीरो. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टेन माइनस 182 टेन टेन थीटा लेस देन जीरो एंड कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो. अब ये किस क्वाड्रेंट पे लाए कर रहे हैं? टेन लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव में चाहिए, कोस पॉजिटिव में चाहिए. अब ये किस एंगल पे, किस क्वाड्रेंट पे ये क्वाड्रेंट पे लाए कर रहे हैं? टेन लेस देन जीरो, टेन लेस देन जीरो, टेन की वैल्यू हमें चाहिए नेगेटिव में. ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है. कोस पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे लाए कर रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाए कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे? टेन थीटा ग्रेटर देन लेस देन जीरो एंड कोस कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो लाए इन फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट थ्री पार्ट्स हैं, उसी को इसको आपने मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट थ्री पार्ट भी करने की कोशिश करनी है. अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस. आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3. अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की. सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी. अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी. और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की, अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस. इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल है. अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में. अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में. सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी. अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी. 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी की सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी. इसी तरह आपको 3.4 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है. अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोज अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोज अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोज अवेलेबल हैं. इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोज हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोज हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोज हैं. अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में. इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं. चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोज अवेलेबल हैं. अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोज हैं. इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं.
इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। आपको सिर्फ 500 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 03234516277 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।